वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो ऑफ शैडो फाइट 3। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा वो मेरे 5 साल के बेटे ने खेला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक 5 साल का बच्चा जो कि शैडो फाइट 3 गेम खेलता है, और मैंने ही उसको ये अलाउ किया है। मुझे पता है कि ये थोड़ा ऑड लगता है कि एक 5 साल के बच्चे को मोबाइल अलाउ करना उतनी अच्छी बात है नहीं, बट मुझे लगा कि उसने जिस टाइप से गेम खेला उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए। उसको भी इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं दिन भर गेम खेलते रहता हूँ, तो उसको भी लगता है कि चलो पापा की तरह गेम खेलते हैं। उसको इंटरेस्ट हुआ तो मैंने बोला ठीक है चलो खेलो, मैंने रिकॉर्ड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई अलग मोटिवेशन मेरा है नहीं इस चैनल को प्रमोट करने का, या दूसरा किसी चीज़ का मोटिवेशन मेरा है नहीं, इसलिए मैंने इस गेम प्ले को अपलोड करने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं गेम प्ले में क्या होता है, कैसे उसने खेला है, आप देखिए और मज़ा लीजिए इस गेम का। जल्दी से शुरू करते हैं गेम को, लेट्स गो एंड बिगिन द गेम। तो यहाँ दोस्तों पहली फाइट हमारी चालू होने वाली है, और पहली फाइट शुरू हो गई है हमारी यहाँ पे। और ये बढ़िया मूव इसका, मेरे बेटे का पहला बढ़िया मूव, जैसे लगता है कि कोई प्रोफेशनली खेल रहा हो। बट अगर आप बारीकी से देखेंगे दोस्तों, तो ये बस अपने शॉट का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसको मूव तो पता नहीं है ना कि कैसे मूव अलग अलग डायरेक्शन यूज करके खेलना चाहिए ताकि अलग अलग मूव निकल के आए। तो इसने बस एक ही मूव को इस्तेमाल कर दिया, इस मैच को, पहली मैच को इसने जीत लिया है, पहला फाइट इसने जीत लिया है। तो बढ़ते हैं अगली मैच की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। यहाँ तक तो मैंने अभी तक इसकी कोई मदद नहीं की, ये अकेले ही खेल रहा है, तो मेरे को अलग अलग मूव की जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको जो अच्छा लग रहा है, इसको अच्छा लगा कि ये लात मारेगा तो इसकी लात ही मार रहा है। ये देखिए, और ये यहाँ पे गिर गया। इसको शैडो एनर्जी को यूज करना अभी तक शायद नहीं आता होगा, शैडो एनर्जी आने वाली है थोड़ी देर में, इसको शैडो एनर्जी मिल जाएगी। इसने अब मेरे ऑपोनेंट ने मतलब इसको शैडो एनर्जी की फाइट दे दी। आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यू एक ही मूव को कंटिन्यू यूज किया जा रहा है। अगर इसको मूव की नॉलेज, देखिए इसको शैडो एनर्जी यहाँ पे मिल चुकी है, बट इसको इस्तेमाल करना है कि नहीं इसको इसको नहीं पता, ये शैडो एनर्जी है कि इसको नहीं पता अभी तक। देखिए अगर शैडो एनर्जी इसको पता होता कि क्या है तो ये मैच यहाँ पे ये जीत जाता, थोड़ा सा हल्का सा एक टच करता ये मैच ये अपने हाथ में ले जाता, ये सेकंड राउंड ये जीत जाता, बट ये हार चुके। चलो कोई नहीं, अच्छा खेला, मुझे अच्छा मैच अच्छा लगा देख के, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं। देखिए अभी भी इसका शैडो एनर्जी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको दिखाया कि कैसे यूज करना है, बट वो कर नहीं पाया। ये लकीली लग गया, लकीली दोस्तों ये लग गया, क्योंकि वो तो एक बच्चा है, उसको क्या समझ में आएगा ये। और यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट मैच रहा, क्योंकि ऑपोनेंट इसको टच भी नहीं कर पाया। ये फर्स्ट राउंड हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट मैच हम लोग जीत चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ, देखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मैंने हल्की सी उसकी मदद की है। ये फर्स्ट मूव जो है मैंने उसको दिखाया कि कैसे यूज़ करना है, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बीच में गाइड भी किया था, ये मूव, ये ऊपर का जो स्टार मार्क है, इससे जो जो मूव अलग अलग हैं मैंने उसको बताया कि कैसे करना है। एरो यूज़ करके अपने हैंड को या लेग को यूज़ करने से अलग अलग मूव निकल के आते हैं, तो शायद ही वो समझा होगा, थोड़ा सा हल्का सा समझा होगा, फिर भी अच्छा खेल रहा है। राउंड टू, फर्स्ट राउंड तो अच्छा खेला, सेकंड राउंड देखते हैं कैसे खेलता है। मैंने उसको बता दिया है कि शैडो एनर्जी कैसे यूज करना है, अभी देखते हैं कि वो कितना ले पाता है।
और मैंने उसको ये भी बताया था और उसने वो दिमाग में रखा है कि जब आपका ओपोनेंट आपको हिट करे तो आप कोई भी मूव ना ले तो वो सेव हो जाएगा। और देखिए पहला शैडो एनर्जी इसने वेस्ट कर दिया, दूसरे में इसने इसको घायल कर दिया और पूरा फिनिश हो गया मैच। यहाँ पे मेरे बेटे ने अपना मैच जीत लिया है। मुझे ये आइडिया थोड़ा यूनिक लगा दोस्तों, इसीलिए मैं ये गेम अपलोड कर रहा हूँ। मेरा कोई गलत इंटेंशन है नहीं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करवाऊँ या दूसरा कोई बच्चा खेल रहा है सब लोग देखेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन मेरा है नहीं दोस्तों। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, मुझे बस जो अच्छा लगा वही मैंने किया, ये अच्छा खेला। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो थर्ड मैच है ये भी इसने बहुत अच्छी तरह से जीत लिया है। बीच में इसने थोड़ा सा प्रैक्टिस मैंने इसको करवाया था क्योंकि ये तो मतलब यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है ना, तो सब कोई देखेंगे तो थोड़ा सा तो कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, ये तो कोई देखेंगे क्यों। मैंने 3-4 बार इसको ऐसे ही यूज टू करने के लिए खिलवाया ताकि उसको समझ में आए ये एक्चुअली ये है क्या। और ये जो मेरा ओपोनेंट है वो थोड़ा ढीला ही लग रहा है क्योंकि इतना भारी वेपन लेके मैं तो कभी खेलूंगा नहीं। एक हल्का सा मूव लगेगा और ये खत्म। ये देखिए इसने एक धमाकेदार मूव दिया और अपने मैच को जीत लिया, दोनों राउंड को लगातार जीत लिया इसने दोस्तों। मजा आ गया इसका ये मैच देख के। विनिंग स्ट्राइक 3। कॉइन्स वगैरह हम लोग जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ये सब मेरा काम है क्योंकि ये उसको समझ में आने वाला है नहीं, तो ये मैंने अपने हाथों से किया है। जो सच है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कीज वगैरह कलेक्ट करने पड़ते हैं, कीज मैंने अपने हाथों से कलेक्ट किए हैं। वो मेरे बगल में बैठा है, मैंने उसको बोला भाई तू कुछ बोल दे बेटा, वो शर्मा रहा है, थोड़ा शाई है बट थोड़ा टेक फ्रेंडली है मेरा बेटा, मेरे जैसा ही है तो मेरे उम्र तक। अच्छा ये क्या मिला है मेरे को समझ में नहीं आया, इसको तो मैंने काट दिया, तो इसको इक्विप करके देखते हैं कि क्या मिलता है। अरे ये आया कहाँ पे, ये तो समझ में आया नहीं, वेपन में आया या किसमें, शील्ड में आया वाइजर में आया। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है तो मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए और मैं भी देखता हूँ कि ये जो मिला है वो कहाँ है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जो रिवॉर्ड्स है वहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा फिर से बता रहा हूँ, कोई गलत इंटेंशन नहीं था इस वीडियो को अपलोड करने का और ये आपके सामने बताने का कि ये वीडियो मतलब ये गेम एक 5 साल के बच्चे ने खेला है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगा दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया, अब ये आपके ऊपर है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।